हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम स्ट्रिंग नेम की क्लास के इनसाइट जो गेट केयर्स नेम का मेथड होता है उसको एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग की इनसाइट इसका क्या यूज है। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है हेलो यश प्रोग्राम और इसके इनसाइट में यश जो इसका सब स्ट्रिंग है इसको निकाल कर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे गेट केयर्स नेम की मेथड की नीड रहेगी। तो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मुझे इसके लिए एक कैरेक्टर अरे बनाना पड़ेगा और इसका साइज आप जो स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रखें। तो यहाँ पर इसका जो लेंथ है 1 2 3 4 है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रख लेता हूँ और मैं 5 रख देता हूँ इसका साइज़। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो कैरेक्टर अरे हैं वो बनाया और उसका जो साइज़ है मैंने यहाँ पर 5 दे दिया। इस तरीके से आप और ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन कम नहीं देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसको मैं यहाँ पर CH रेफरेंस में रख देता हूँ इस तरीके से। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है। स्ट्रिंग किसके इनसाइट है, S1 रेफरेंस में है। इस रेफरेंस से मुझे कॉल करना है यहाँ पर गेट केयर्स मेथड को और जैसे मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पर मुझे 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा उसमें स्टार्ट इंडेक्स यानी कि कहाँ पर ये जो यश में निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये जो वाई है ये कौन से इंडेक्स पे हैं वो मुझे यहाँ डालना है। तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है तो आप गिन लीजिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मुझे डालना पड़ेगा 6। ओके, अब इसके बाद कहाँ तक लेना है, एज तक लेना है। अब इसको इंडेक्सिंग से नहीं गिनते, इसको गिनते हैं 1 से और यहाँ से। ये जो पहला कैरेक्टर आप देख रहे हैं स्ट्रिंग का यहाँ से गिनते हैं, तो यहाँ से आप 1 से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा 10 और यहाँ पर जो आपने कैरेक्टर अरे बनाया है जो स्ट्रिंग निकल कर आएगी और जिसमें आपको रखना है उस अरे का नेम आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ मैंने इसका नेम CS दिया है तो मैंने यहाँ पर रखा है। अब इसके बाद डेस्टिनेशन यानी कि जब प्रिंट करवाएंगे तो कौन से इंडेक्सिंग पे आपको रखना है, तो मैं 0 पे ही रखूँगा क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से प्रिंट करवाना। आप अगर थोड़ा आगे पीछे प्रिंट करवाना, थोड़ा पीछे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो और इंडेक्सिंग बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं स्टार्टिंग से प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ 0 दिया। ओके, अब ये काम तो मेरा हो गया। अब जैसे इस मेथड को कॉल करेंगे तो इस अरे के इनसाइड ये स्ट्रिंग निकाल कर रख देगा, बहुत सिंपल। अब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज़ कर लिया है और इसमें किसके इनसाइड आ चुका है, अरे के इनसाइड आ चुका है। तो अरे का नेम CH है, मैं यहाँ पर CH रख देता हूँ, वो सिंपल है, मैंने रख दिया। अब मैं रन करके आपको चेक करके बताता हूँ। ये रन हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको आउटपुट मिल चुका है यश। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे अपनी जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट तब आपको यहाँ पर ट्राई कैच जरूर यूज़ करना है। अब ट्राई कैच क्यों यूज़ करना है, एक्चुअली होता ये है कि यूज़र ये जो आर्ग्यूमेंट्स है यानी कि ये जो वैल्यू है स्टार्ट इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स ये रन टाइम पर डालेगा। अब रन टाइम पर डालेगा तो उसको नहीं पता कि कितना डालना है। अगर उसने गलती से ज़्यादा डाल दिया, जैसे मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा और वो कंपाइल टाइम पर नहीं आएगा, वो रन टाइम पर आएगा और एक्सेप्शन आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है जावा का एप्लीकेशन है वो फोर्स क्लोज हो जाएगा। अब तो उससे बचने के लिए क्या करना होता है कि आपको इसे ट्राई कैच में डालना है। मैं अभी एक्सेप्शन लाके आपको बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आप बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे उस बात को। मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग बढ़ा दिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ चुका है। कंपाइल टाइम पर कोई एक्सेप्शन नहीं था लेकिन रन टाइम पर यहाँ पर एक्सेप्शन आ चुका है। और क्या एक्सेप्शन आया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो
ये अपने हाथ में नहीं होता है, तो इसलिए आपको पहले इसे ट्राई केज में रख देना है। तो बहुत आसान है, आप ट्राई केज ब्लॉक में इसे डाल दें। और किस तरीके से डाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक्सेप्शन इसलिए रहा हूँ क्योंकि रन टाइम पर जितनी भी एक्सेप्शन आती है उन सबका पेरेंट एक्सेप्शन होता है, और आपको आपने अपकास्टिंग पढ़ा है तो वहाँ पर आपने सीखा होगा कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में लिया जा सकता है, तो जो भी एक्सेप्शन आएगा रन टाइम पर वो इस एक्सेप्शन के इनसाइट असाइन हो जाएगा और फिर आप उसे प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन लिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है कि किस तरह का एक्सेप्शन आ सकता है, तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन भी ले सकते हैं अगर आपको पता है कि किस तरह का एक्सेप्शन, जैसे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है तो आप उसको भी यहाँ पर सीधे लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करवा देते हैं ताकि जब यूज़र इंडेक्स डाले और अगर वो गलत डाल दे तो उसको पता चल सके। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से प्रिंट करवा देते हैं और अभी मैं रन करके चेक करके आपको बताता हूँ। एक्सेप्शन तो आएगा लेकिन अब वो हैंडल हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कोई एरर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ में उसने बता भी दिया है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है और कहाँ पर कि आपने 6 से स्टार्ट किया और एंड 50 से किया और जो लेंथ है वो 16 है और आपने ज़्यादा लेंथ मतलब जो ज़्यादा लेंथ है वो डाल दिया है, इस वजह से ये एक्सेप्शन है। सारी चीज़ें इसने क्लियर कर दी यहाँ पर। तो आपको इस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग में गेट केयर्स नेम की मेथड का यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।